नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी केंद्रों को माता एवं शिशु के बीच वितरण के लिए दिए जाने वाले बादाम, गुड़, दाल एवं चावल की आपूर्ति में अनियमितता बरतने के मद्देनजर पंडरा बाजार स्थित जय झारखंड उद्योग दुकान को अनुमंडल पदाधिकारी रांची ने सील कर दिया है। उक्त कार्रवाई के संबंध में आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा किए गए शिकायत के आधार पर जांचोपरांत की गई है। क्या है पूरा मामला, सीओ चाहो ने अनुमंडल पदाधिकारी रांची लोकेश मिश्रा को इस संबंध में जांच का प्रतिवेदन देते हुए जानकारी दी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अंचल अधिकारी चाहो के सामने GSLPS द्वारा बहुत ही खराब एवं वजन में कम मात्रा में THR आपूर्ति की शिकायत की थी, जिसके पश्चात अंचल अधिकारी चाहो एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी चाहो की संयुक्त टीम ने सभी आंगनबाड़ी केंद्र में धात्री एवं बच्चों के लिए घटिया राशन आपूर्ति की जांच की। जांच में सेविकाओं ने अधिकारियों को बताया कि JSLPS के द्वारा सेंटर पर जो बादाम, दाल, गुड़ एवं चावल की आपूर्ति की गई है, इसका वजन कम है एवं गुणवत्ता घटिया है। सभी सामानों का वजन करने पर उनकी मात्रा निर्धारित मात्रा से कम पाई गई, साथ ही बादाम की क्वालिटी बेहद ही घटिया एवं सड़ी हुई मिली। इसके सेवन से धात्री एवं बच्चे के बीमार पड़ने की पूरी संभावना प्रतीत हो रही थी। इसके अतिरिक्त अरहर दाल की जगह मोट या खेसारी दाल दिया गया था, गुड़ में मैदा मिला हुआ पाया गया। जांच के दौरान जब JSLPS की प्रखंड समन्वयक सविहा नाद से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने जानकारी दी कि महिला सहायता समूह द्वारा पंडरा स्थित बाजार जय झारखंड उद्योग से सामग्री की आपूर्ति की जाती है। जांच के क्रम में यह प्राप्त हुआ कि उपरोक्त केंद्र पर उक्त खराब सामान पंडरा के दुकान संख्या 19 के व्यापारी ने जानबूझकर सड़ा बादाम एवं अन्य सामग्री गांव की महिला दीदी को उपलब्ध करवाया था। पूरे मामले की छानबीन के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची लोकेश मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इस संबंध में मौके पर बुलाकर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर दुकान से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर तत्काल दुकान को सील कर दिया। मिश्रा जी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आलोक में आगे की कार्रवाई सुसंगत धाराओं के तहत की जाएगी।